में कांग्रेस की जीत के बाद मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी ये सब खुश हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है उन्हें उन्हें देखकर कि वो वापस से जीवित हो चुके हैं। इतनी खुशी और संतुष्टि उन्हें देखकर हमें हमने जब उन्हें देखा तो इतनी संतुष्टि देखने को मिल रही थी, इतनी खुशी देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक जंग को जीत गए हैं। खुशी क्यों ना हो, क्योंकि जितनी सीट्स कर्नाटक में वो लेकर आए हैं वो अपने आप में ही एक जीत है। और वो भी उस समय जब गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर प्रचार करके आए, उसके बावजूद भी ये जीत देखने को मिली। लेकिन कुछ सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही खुश नहीं हैं। जैसे हमने कहा कि मोदी विरोधी जो लोग हैं, जो भाजपा विरोधी लोग हैं, वो खुश हैं। उसमें कई माफिया जो हैं उनके भी बारे में जानकारियां हमें मिली कि वो भी बड़े खुश हैं। इसके अलावा जो गूंडे हैं, बदमाश हैं, वो भी काफी खुश हैं। कई लोग तो इस तरह की भी जानकारियां आए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें भी काफी खुश हैं। अब ये जानकारियां हैं, इसमें सत्यता है या नहीं वो हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह की जानकारियां, ये सब खुश हैं। अब खुशी का कारण क्या है वो तो ईश्वर ही जाने, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बजरंग दल पर कांग्रेस के नेताओं ने टिप्पणियां की थी और PFI से, आतंकी संगठन से, इनकी तुलना की थी। उसके बावजूद कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोहित, माफ कीजिए, राकेश बजरंगी हैं, जो प्रधान हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के जम्मू कश्मीर के। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने प्रदर्शन किया, कांग्रेस का विरोध किया और पूरे देश में हमें लगता है विरोध हुआ, उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां की, लेकिन काफी खुश हैं वो। उसके बाद जीत जो देखने को मिली वो भी काफी, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कौन जीता कौन हारा इससे हमें कोई लेने देना नहीं है। भाजपा जीतती तब भी हम सड़कों पर रहना था, कांग्रेस जीती आज फिर हम सड़कों पे हैं, और लगातार हमने तो सड़क के अंदर ऊपर जो है वो विरोध प्रदर्शन करने हैं, क्योंकि हमने हिंदुत्व का नेतृत्व करते हैं, हिंदू समाज का नेतृत्व करते हैं, तो हिंदू समाज के लिए हमारी लड़ाई जो है वो चलती है। तो जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस ने की है और मैनिफेस्टो के अंदर हिंदू संगठनों को प्रतिबंधित करने के लिए उन्होंने उसके अंदर रखा, और उसके साथ ही हिंदू संगठन ने तुलना जो है PFI से की, हमारा विरोध वो था। तो कहीं ना कहीं अगर हारी तो भाजपा है, हम कहीं नहीं हारे, हम तो जीते हुए हैं। देखिए, हम जीते किस प्रकार से हैं कि आज तक कांग्रेस को कभी आपने नहीं देखा होगा कि हनुमान जी, मतलब बजरंगबली की जय, जय श्री राम के नारे लगाकर हनुमान जी के साक्षात उनका वर्तन सामने लाकर, लोगों गदे लेकर, गदा लेकर रोड के अंदर जो है वो जय बजरंगबली, जय श्री राम के नारे लगाना पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने अपने जश्नों के अंदर किया। कहीं ना कहीं हमारा तो मकसद है कि हिंदू समाज के अंदर हिंदुत्व को जगाना, तो कहीं ना कहीं पहली बार हुआ कि कांग्रेस के अंदर भी हिंदुत्व जागा, और कांग्रेस ने हनुमान चालीसा के पाठ किए पूरे देश के अंदर, और उसके जो वीडियो हैं वो वायरल किए, और भगवान के रूप में लोगों ने उनकी वेश बनाकर जिस प्रकार से जय बजरंगबली के नारे लगाए, तो हमें खुशी है कि कांग्रेस भी आज जो है वो हिंदुत्व की राह पर वापस आने के लिए जो है वो अग्रसर हो रही है, और उसको भी समझ में आने लग गया है कि हिंदुओं के बिना और हिंदुओं के बाहर जाकर वो जीत नहीं सकती। इसलिए हिंदुत्व को अपनाना और देश के अंदर जो हिंदुत्व की लहर को बरकरार रखना, ये कांग्रेस की भी मजबूरी है। अगर हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से 70 साल पिछले हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर वोट बैंक की राजनीति करते रहे, और धीरे धीरे हिंदू जागृत होता रहा और हिंदू जो है वो समझने लग गया कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है, जिस प्रकार की उनकी स्टेटमेंट थी पहले की, जैसे राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी कि मंदिरों के अंदर जो हिंदू जाते हैं वो लड़की छेड़ने जाते हैं, या तिलक के ऊपर टिप्पणी, या भगवा के ऊपर टिप्पणी, भगवा को आतंकवादी करार देना, तो इस प्रकार की टिप्पणी जो करना जो है वो हिंदुओं के ऊपर आघात करने जैसा था। लेकिन अब की बार जो कर्नाटक के अंदर इतिहास में पहली बार हुआ कि जिस प्रकार से कर्नाटका का छोड़कर पूरे देश में, जम्मू के अंदर भी आपने देखे हनुमान जी का गदा लेकर, हनुमान जी के चित्र लेकर वो सड़कों के ऊपर जश्न मना रहे थे, बम पटाखे। भाई, हमें खुशी है कि भगवान हनुमान जी का पूजन तो कर रहे हैं, भगवान जय श्री राम तो बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन जो जानकारियां हैं, कुछ हमारे सूत्र हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि माफिया गुंडे
टेररिस्ट जो है ये ऑर्गेनाइज नहीं, ये काफी खुश है, ये क्यों खुश है? देखिए पिछले 70 साल क्या हुआ वो आप भी जानते हैं, कश्मीर के अंदर अगर मिलिटेंसी हुई एकदम पैदा नहीं हो गई, मिलिटेंसी पुरानी थी, मिलिटेंट किस प्रकार से वहां पर हाइड आउट बनाते रहे, किस प्रकार से वहां पर असला इकट्ठा करते रहे, किस प्रकार से कश्मीर को दहलाने की कोशिश जो है एक लंबे समय से जो है तैयारी करते आए, और एकदम से जो है कश्मीर के अंदर जो है 89 में जो है वो आतंकवाद एकदम बढ़ गया, और वहां की सरकारें जो हैं आपने देखा कि जैसे कश्मीर फाइल्स फिल्म आई और वो सत्यता के ऊपर आधारित, और उसके जो निर्देशक हैं अग्नोत्री जी, उन्होंने कहा कि अगर इसके अंदर कोई झूठ बता दे तो वो पूरी उम्र के लिए संन्यास जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से ले लेंगे, तो किसी ने भी कोई इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की, कहीं ना कहीं वो चीजें सत्य सामने हुई, और उसके अंदर एक बड़े नेता जो कश्मीर के हैं जिन्होंने इस कर्नाटका जीत के ऊपर भी पार्टी को मुबारकबाद दी है, और उनके घर के अंदर बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादी जो है जेल की सलाखों के पीछे है वो उसके घर के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीजें आपके सामने है कि वो खुश क्यों नहीं होंगे, जब मुबारकबादें कौन दे रहा है, यहाँ पे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सबने मुबारकबाद दी है, वहां शरद पवार, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी के इलाके के अंदर मतलब उसके प्रदेश के अंदर हिंदुओं की क्या स्थिति है ये भी आपके सामने है। देखिए चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं की रैलियों के ऊपर जो है उनकी झांकियों के ऊपर जो है पथराव किए गए, उनके घरों को कूका गया, उनको मारा काटा गया है, और हनुमान जी के मंदिर यहां तक कि वहां तोड़े गए, तो क्या ममता बनर्जी ने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन सामने आया गया? क्या उन जिहादियों को जिन्होंने ये काम किया है, क्या उन जिहादियों को पकड़ने का काम किया गया? कहीं कुछ नहीं हुआ, हिंदू वहां प्रताड़ित है, हिंदू मारा जा रहा है, तो ऐसे लोग जब कांग्रेस को मुबारकबाद दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हिंदू की स्थिति आने वाले समय में कर्नाटका के अंदर भी क्या होगी। देखिए अभी तो मैंने कल का एक सुन रहा था कि वो सोशल मीडिया में भी और मीडिया के माध्यम से भी जो सामने आ रहा है कि 5 कैबिनेट और 1 CM जो है उन्होंने डिमांड कर दी है, तो क्या स्थिति होगी ये सोचिए, जब 5 कैबिनेट और 1 CM की वो मांग रख गए हैं तो आपके सामने हिंदू की क्या स्थिति होने वाली, ये सोचने का विषय है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा तो नहीं लग रहा है जो बैंड वगैरह उन पे लगने लगे हैं, जो लगे हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि जैसे ही कांग्रेस आएगी तो वो वापस रिवाइव कर लेंगे और बच जाएंगे? देखिए कांग्रेस के ऊपर भी उंगलियां जो है वो उठती रही है, मनमोहन सरकार में जो है यासीन मलिक जैसा आतंकवादी जिसने हमारे 4 एयरफोर्स के जवानों को ऑफिसरों को शहीद करने का काम किया, और एक बड़ा आतंकी जो है बिट्टा कराटे के बाद उसने ही अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो है कमांड संभाली थी, और हवाला फंडिंग में वो पकड़ा भी गया था इधर रामबन के पास कहीं, पाकिस्तान के अंदर उसने विवाह किया, पाकिस्तान के अंदर वो आफिस सईद के साथ धरने के ऊपर बैठा था, तो ऐसा आतंकवादी जो है वो PMO में जाकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ जो है वो फोटो जो है वो खिंचवाता है, और उसकी मेहमान नवाजी जो है PMO के अंदर की जाती है, और वो फोटो आज भी सोशल मीडिया पे वायरल है, तो ऐसे लोग खुश क्यों नहीं होंगे? जब कांग्रेस वापस आएगी तो मुझे बताइए ऐसे लोग क्यों खुश नहीं होंगे? क्योंकि भाजपा ने तो इनको सबको जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जो है जो एक दिए की लो जो है उनको नजर आ रही है कि अगर कांग्रेस पूरे देश के अंदर जीतती है तो शायद उनके ऊपर से प्रतिबंध, वो जेलों से बाहर आएंगे। लेकिन मैं अपने समाज से ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को अगर आप बाहर लाना चाहते हैं और पुरानी स्थिति को फिर से वापस लाना चाहते हैं तो सोच लीजिए, आने वाले दिसंबर में 4 बड़े प्रदेशों की जो है वो इलेक्शन फिर है, तो सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं भाजपा हारी कर्नाटका के अंदर, अपनी गलती से हारी और अपनी गलतियों हारी। मैं ये सवाल करने भी लगा था आपसे कि भाजपा की हार का कारण क्या, ऐसे क्या फैसले भाजपा इस समय ले रही है जिसकी वजह से लोग परेशान है? ऐसा तो नहीं है कि जैसे कुछ टेंडरिंग में उन्होंने किया कि साल के बाद आप टेंडर लें, तो उसमें जो लोग टेंडर ले रहे हैं तो वो भी काफी गुंडागर्दी कर रहे हैं, माफिया टाइप का एक सक्रिय हुआ है, कई और भी मामले हैं जहां पे भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है, जहां पहले 100 रुपए लोग देकर बात छुड़ाते थे, आजकल 10-10 हजार दे रहे हैं, 5-5 हजार दे रहे हैं, तो ये सब चीजें में देखिए उसी के ऊपर मैं बात करने लगा था कि भाजपा हारी, वो अपनी करनी का फल जो है वो कर्नाटक के अंदर उसने भोगा, कारण उसका जिस प्रकार से माफिया वहां पर जो है वो बड़ी चरम सीमा पर आ गया था, उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है उन्होंने दिल्ली तक भी, जो मैंने सुना कि दिल्ली तक भी उन्होंने आवाज पहुंचाई थी कि जिस प्रकार से कमीशन का एक गोरख धंधा जो है वो कर्नाटका के अंदर चला, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की, कुछ किया ही नहीं, और वहां पर जो कार्यकर्ता है वो बहुत बेनराज है, किसी के काम नहीं हुए, जो चाहे कई हिंदू संगठन है, जो हिंदू संगठन या उनके अपने कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी जो है इस जो भाजपा जो कर्नाटका की है
जो वहां की टीमें हैं उनके खिलाफ जो है एक बड़ी जो है नाराजगी जो है वो सामने नजर आई है। तो सामने आना जी, आप अगर जीते हैं तो आप जिस बेस पर जीते, अगर आप लास्ट में इलेक्शन लड़ने गए तो आपने भगवान को बीच में लिया। भाई भगवान को किस लिए आपने बीच में यूज किया? आप अपने दम पर इलेक्शन लड़ो ना, जो आपने अगर वहां पर कुछ किया तो आपको कौन हारने का क्या डर है? आप लास्ट में बोल रहे थे हनुमान जी के नाम पर आप बजे बजरंगबली के नाम लेकर जो है वो मोहर लगाइए। भाई इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, क्यों आपको ऐसी बातें जो है वो करनी पड़ी? तो इन चीजों को सोचना पड़ेगा कि आपने 300 आपने 4 साल 5 साल जो आपने शासन किया, 5 साल आपने भगवान का नाम ही नहीं लिया, आपने हिंदू समाज के लिए किया कुछ नहीं, 5 साल आपको हिंदू समाज याद नहीं आया और लास्ट टाइम पे आप बोलते हैं बजरंग बली का नाम लेके वोट डालिए। भाई जनता इतनी पागल नहीं है? अगर आप जनता के काम करते हैं, आप वहां पर प्रगति करवाते हैं, आप वहां पर उन्नति करवाते हैं, अगर आप लोगों का ध्यान रखते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों का खास तौर पर ध्यान रखते हैं जिन लोगों ने आपको जितवाया, तो आपको हारने की तो दिक्कत ही नहीं कोई भी थी। आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर आप मतलब भगवान का इस्तेमाल करके आप जीतना चाहते हैं, ऐसी स्थिति जो इलेक्शन के दौरान होनी नहीं चाहिए। देखिए आज जीतना, आप कब तक मोदी के नाम पर वोट मांगते रहेंगे? भाई जो वहां के नेता थे, जो वहां पर एमएलए थे, जो वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो स्टेट मिनिस्टर थे, जो वहां के सीएम थे, तो भाई अपनी उसकी उनकी क्या कैपेसिटी है, वो कितने काबिल हैं, ये चीजें उन्होंने देखनी चाहिए। भाई आपने कुछ नहीं किया जिंदगी भर, कुछ नहीं, आप मोदी के नाम पर वोट मांग जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, तो इन चीजों को अपने आप मोदी के लेवल पे आप अपने आप को भी लाइए ना। तो केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से इन्होंने कन्या के विवाह में 51,000 रुपए विशेष समुदाय को देने के रखे, भाई हिंदू की बेटियां नहीं है क्या? आपने मदरसों के अंदर जो है टीचर देने का काम कर दिया, आप मदरसों को फंडिंग देना काम कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब वहां पर पे लगा दी। तो इन चीजों को आप जिस प्रकार से उनको वो कर रहे ना, तो उसका खामियाजा इन्होंने भुगता है। वो बोलते ना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो इनको विश्वास भी मिल गया, इन्होंने विकास तो किया और तो साथ भी मिल गया, विश्वास भी मिल गया इनको। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये उनके झांसे में आ गए और उनके ट्रैप में फंसकर उनके ही इशारों पर आगे काम कर रहे हैं, उन्हीं के लोगों को खुश भी कर रहे हैं। देखिए पूरे देश के अंदर इन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, 84% वोट उन्होंने कांग्रेस को दिया, इनको केवल 2% मिला है। तो इन चीजों पे विचार कीजिए, जो वोट देते हैं उनके बारे में सोचिए पहले, ये उल्टपटांग काम करने का काम छोड़िए, पहले उनको ध्यान रखिए जो आपको जितवा रहे, जिन्होंने आपको 303 देकर केंद्र में बैठाया है, और आज पूरे देश में आप एक तिहाई से ज्यादा देश के अंदर जो है आप राज कर रहे हैं। तो साउथ का आपका चला गया, अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट का तो ध्यान कीजिए, वहां पे तो आपके पास बहुत प्रदेश हैं। आने वाले समय में 4 बड़े प्रदेश जो है वहां इलेक्शन, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान में है, इनके अंदर अभी इलेक्शन इसी साल दिसंबर में होगी। तो ये इनका ध्यान कीजिए, अब जो गलतियां की हैं वो सुधारिए। आप राम मंदिर तो बना रहे पर राम मंदिर में जाने लायक कोई रहेगा क्या? रहेगा नहीं, ये इसका चिंतन कीजिए, इसका चिंतन कीजिए कि राम मंदिर बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं? हिंदू समाज के लिए बना रहे हैं ना। जिस प्रकार की परिस्थितियां जो है वो देश के अंदर, केरल तो आपके सामने आ गया, केरल के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियां वो आपके सामने है ना, द केरल फाइल स्टोरी में अंदर क्या है, लव जिहाद के माध्यम से सरकार के नेतृत्व में हुआ, नहीं नेतृत्व इनका नहीं, केरल में तो इनकी सरकार वामपंथियों की है, वहां जो कांग्रेस वामपंथी है उनकी आती है सरकार, भाजपा का तो नाम ही नहीं, भाजपा को वहां पे एक सीट नहीं मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र का थोड़ा बहुत तो वो ध्यान होना चाहिए, केंद्र ने तो उसको देखना है ना, मतलब जो राज्यपाल पहले रहे आजकल वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो बने हैं क्या नाम है उनका, जो साउथ में वो थे गवर्नर थे, वो तो बार बार है, वो मुस्लिम है, लेकिन वो बार बार इस चीजों को उठाते थे, वो बोलते थे इसको, लेकिन किसी ने सुनी नहीं उनकी, वो हमेशा सरकार के ऊपर जो है वो टिप्पणियां करते रहे वहां की केरल सरकार के ऊपर, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो अब्दुल कलाम को भी बड़ा मानते हैं, भाई देश के लिए किया उन्होंने कुछ, मतलब देश विरोधी ताकतों को समझना, हम देश विरोधी ताकतों के खिलाफ हैं। कई ऐसे लोग हैं
जिन्होंने देश के लिए जो है वो जंगे लड़ी हैं, कई ने अपना बलिदान दिया है, तो हम उनको भी पूछते हैं ना, हम जो स्वतंत्र सेनानी हैं कई, हम उनको भी बोलते हैं। अब अब्दुल कलाम जैसे, स्वर्गीय अब्दुल कलाम जैसे लोगों की जरूरत जो है वो उन्होंने देश के लिए किया, अपना सब कुछ निशावर देश के ऊपर किया। तो ऐसी चीजें हैं, तो जो देश विरोधी होगा, जो देश के खिलाफ रहेगा, उनको तो मुंह तोड़ जवाब तो दिया जाना चाहिए, वो किसी काम नहीं। इसीलिए योगी जो है, योगी जी मैं उनका बड़ा फैन हूं, योगी जी दो टुक बात करते हैं, कोर्ट को बोलते हैं कि वो अपना फैसला दीजिए, उसको इंप्लीमेंट मैं करवाऊंगा, देखूंगा कौन बोलता है, और कोई नहीं बोलता वहां पे। फिर वो तो दो टुक बात करते हैं, और वो अपने धर्म का भी निर्वाह कर रहे हैं, एक संत हैं, एक मठ के जो हैं वो वहां पे वो संत हैं मेन मठ के गोरखपुर के, और वो उस मठ का जो है वो दायित्व वहां का भी निभा रहे हैं, और पूरे प्रदेश यूपी जो है पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके अंदर भी उसके अंदर पूरा वो कर रहे हैं, मतलब। तो इसलिए सारी चीजें वो सामने आ रही हैं। तो अब योगी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री हमें चाहिए, योगी जी अगर देश के अंदर होंगे तो मुझे लग रहा है हिंदुत्व भी वो रहेगा, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, और हिंदू भी जो है वो कभी प्रताड़ित नहीं होगा, और पूरे देश के अंदर हिंदू जो है सीना उठाकर चलने लायक हो जाएगा। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत, धन्यवाद जी। कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां तो हैं, जिसकी वजह से कर्नाटक में भाजपा की हार हुई है, लेकिन कांग्रेसी खुश हैं। मोदी का विरोध करने वाले, भाजपा का विरोध करने वाले ये लोग भी काफी खुश हैं, जैसे इन्होंने भी बताया और कुछ बातें हम तक भी पहुंची कि माफिया लोग भी काफी खुश हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी, ये भी काफी खुश हैं। इनकी खुशी का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि पिछले 70 साल में क्या हुआ। इस पर आप लोग भी राय रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे से होगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।